देखिए, आज जो हम टॉपिक आप लोग के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज के सेशन में हम लोग आपको बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि बीजी क्या है, इसका यूज़ क्या है। सबसे पहले बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका मेन पर्पस अकाउंट्स करना होता है। अकाउंट्स का मतलब जानते होंगे, इन शॉर्ट लैंग्वेज में हिसाब किताब रखना कि मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास से कितना पैसा जा रहा है, उन सभी को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बीजी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। बिजी सॉफ्टवेयर में आप ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल अकाउंट्स करने के पर्पस से ही यूज़ कर सकते हो, बिजी में आप बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। जैसे अकाउंट्स की अगर हम बात करें, पार्टियों का तो आप हिसाब मेंटेन करके चल सकते हो, साथ साथ अपनी आइटम का भी स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी आई है, कितनी क्वांटिटी इन हुई, कितनी क्वांटिटी आउट हुई और कितनी क्वांटिटी हमारे पास बची है। इन सभी का स्टॉक देखने के लिए हम क्या मेंटेन करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को हमें चाहिए होता है। तो इस केस में हम बीजी सॉफ्टवेयर को प्रेफर कर सकते हैं। जैसे हम मान लो 100 क्वांटिटी आपके पास आई है, आपने 80 सेल कर दी, तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी रहेगी, 20। ये काम को करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, बीजी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। साथ साथ आप बीजी सॉफ्टवेयर में आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। आप बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक मेंटेन करने के साथ साथ आप टैक्स का काम भी कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे काम बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। ठीक है गौरव, चेयर लेके बैठो, अभी करता हूँ। तो हम बीजी के अंदर काफ़ी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें बीजी की, तो बीजी कब आया था, अगर आपसे कोई पूछे तो कहना सर बीजी 12 अगस्त 1997 में लॉन्च हुआ था। बीजी आज का नहीं है कि आज 2 दिन हो गए या 4 दिन हो गए बीजी सॉफ्टवेयर आ गया। बीजी सॉफ्टवेयर को अप्रोक्सीमेट 20 ईयर हो गए, 20 या 20 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। जब बीजी इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, तो बीजी का पहला वर्जन आया था BG3, फिर आया BG12, फिर आया BG14, फिर आया BG16, फिर BG17, फिर BG18, फिर BG21। तो बीजी के अब तक टोटल 7 वर्जन आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, वर्जन। वर्जन जानते हैं क्या होता है, किसी चीज़ का अपग्रेड होना क्या कहलाता है, वर्जन कहलाता है। जब BG3 आया था तो उसके अंदर वो पावर नहीं थी जो आज BG21 के अंदर है। पहले BG3 को मान लो 10,000 लोग यूज़ करते थे, आज बीजी को 20 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इसका क्राइटेरिया बढ़ता है, वैसे वैसे इसके अंदर के फंक्शन भी बढ़ जाते हैं। अगर हम व्हाट्सएप का एग्जांपल लें, तो जो पहले था ना, उसके अंदर हमारे पास वीडियो कॉल का सिस्टम नहीं था, कॉलिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन आज व्हाट्सएप में क्या है, वो सारे हैं। तो व्हाट्सएप क्या हो गया, अपडेट हो गया। वैसे ही बीजी भी टाइम टू टाइम अपने आप को क्या करता है, अपडेट करता है। क्लियर है? तो याद रखना, बीजी अगर आपसे पूछे तो कह रहे सर बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका मेन पर्पस अकाउंट्स करना होता है। पहले बीजी जब आया था तो वो डेट थी 12 अगस्त 1997। बीजी का पहला 3 वर्जन, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 21। तो बीजी के अब तक टोटल 7 वर्जन आ गए। अगर हमें बीजी का सॉफ्टवेयर कहीं से डाउनलोड करना है, तो उसकी साइट बिल्कुल सिंपल है। कहाँ पर, www.bizywin.com पे जाना है। आप इस साइट पर जाओगे, जैसे ही आप इस साइट पर जाओगे, आप देख सकते हैं कि बीजी का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका, यहाँ पर आपकी बीजी की साइट आ रही है, BG21 release R.1, और यहाँ पर लिखा है क्लिक टू डाउनलोड। तो अगर आपको बीजी का कोई सा भी वर्जन डाउनलोड करना है, तो आप इस साइट पर जाओगे www.bizywin.com और यहाँ से आप अपने बीजी सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड। बस आपको क्लिक टू डाउनलोड पर जाना है, और जैसे ही आप क्लिक टू डाउनलोड पर करोगे, आपका बीजी यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
जब बीजी आप डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड के बाद आपको बीजी को इंस्टॉल करना होगा। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे वो सब यहाँ आ जाते हैं डाउनलोड सेक्शन में। इसके बाद ये एक विनरार फाइल फॉर्मेट है, आपको पता होगा ये एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसके अंदर आप कभी वायरस नहीं जा सकता। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसके अंदर हमें वो फाइल को निकालना है। तो उसके लिए आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल करोगे और इंटर मार दोगे। ठीक है, ये आपका देखो बीजी 15 आ गया। इसके बाद आप इसे क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल तो करना जानते हैं, इस तरीके से आप बीजी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप बीजी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके का आइकन मिलेगा। इसके बाद अब बीजी को आपको स्टार्ट करना है तो आपको बीजी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बीजी पर क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले एक मैसेज आएगा जिस पर लिखा हो कुड नॉट चेक सिक्योरिटी। क्या लिख के आएगा, कुड नॉट चेक सिक्योरिटी। इसका मतलब ये होगा जो भी आप बीजी को स्टार्ट कर रहे हैं वो 30 डेज के लिए वैलिड है। मतलब बीजी को जब भी हम चलाते हैं तो उसका लाइसेंस अगर हमारे पास नहीं है तो बीजी कितने दिन के लिए काम करता है, ओनली 30 डेज के लिए। आपने एक वर्ड सुना होगा डेमो मोड, डेमो का मतलब होता है ट्रायल पीरियड के लिए। अगर आप किसी को कोई चीज़ देते हो और उसका लाइसेंस नहीं देते तो क्या देते हो, ट्रायल पीरियड। तो याद रखना अगर आप बीजी का डेमो मोड यूज़ कर रहे हैं तो कितने दिन की वैलिडिटी होती है, ओनली 30 डेज की। ठीक है, कितने दिन की वैलिडिटी होती है, 30 डेज की वैलिडिटी होती है। इतना समझ में आ गया, अगर बीजी लाइसेंस होगा तो आप परमानेंटली यूज़ कर सकते हैं और अगर बीजी क्या हुआ डेमो मोड हुआ तो 30 डेज में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ से आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है और जो भी अभिषेक जो भी कंपनी का नाम होगा वो टाइप कर देंगे। क्रिएट मतलब होता है बनाना और कंपनी जो आप क्रिएट करना चाहें वो टाइप कर दो। मैंने यहाँ से लिख दिया क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब होता है एक नई कंपनी बनाना, क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स वाई जेड कंपनी, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया एक्स वाई जेड कंपनी। ठीक है, अगर आपकी कंपनी का नाम है रोहित ट्रेडिंग कंपनी तो आप रोहित ट्रेडिंग कंपनी डाल दो। अगर आपकी कंपनी का नाम है सबरवाल ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तो आप वो टाइप कर दो। तो जो भी आपको नाम टाइप करना है वो सारे नाम टाइप कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी का शॉर्ट नेम, तो जो भी आपकी कंपनी का शॉर्ट नेम वो डाल दो, जैसे STIPL वो टाइप आ जाएगा। कंट्री आप सभी जानते हैं इंडिया है, स्टेट आप सभी जानते हैं दिल्ली। इसके बाद अब आता है फाइनेंशियल ईयर। आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को बंद हो जाता है, गुड इवनिंग, उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को बंद हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। जैसे अगर आपसे कोई कहे मेरा बिजनेस 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, उसका फाइनेंशियल हमेशा क्या रहेगा, 1/4/2020 और एंडिंग डेट कितनी रहेगी, 31/3/2021। बिजनेस कभी भी स्टार्ट हो उसका एंडिंग स्टार्टिंग डेट हमेशा 1 अप्रैल रहेगा और एंडिंग डेट हमेशा 31 मार्च रहेगी, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके बाद यहाँ से इतना समझ गए, हमारा फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1/4 से स्टार्ट होगा और कब कम होगा, 31/3 को, क्लियर। अब वो कहे आपका बिजनेस 1/1/1 को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन एंडिंग डेट हमेशा कितनी रहेगी, 31 मार्च 2021 और स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2020। इतना समझ आ गया। इसके बाद आता है बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम, दोनों सेम डालना, कभी अलग मत डालना, ठीक है। इसका मतलब होता है एंट्री कब से करनी है, मतलब जिस दिन तुम डेट डालोगे उस दिन से एंट्री होगी, उसके बाद से नहीं, तो आप हमेशा यहाँ पर सेम रखना। इसके बाद कंपनी का एड्रेस, एड्रेस के लिए 4 लाइनें और हर लाइन में हम 40 वर्ड टाइप कर सकते हैं। कितने वर्ड टाइप कर सकते हैं, 40। एड्रेस लाइन 2 40 वर्ड, एड्रेस लाइन 3 40 वर्ड, ठीक है, और एड्रेस लाइन 4 40 वर्ड। तो टोटल मिला के हम कितने कर सकते हैं, 160 वर्ड लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से आप डाल लो अपनी कंपनी का एड्रेस, जैसे JC33 श्यामजी मल लैन,
झंडे वालन रोड नबी करीम न्यू दिल्ली 55। जो होगा वो टाइप कर देना। सिन नंबर छोड़ दो, अब आता आईटी पैन कार्ड। आईटी का मतलब होता है इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होगा? इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। ये 10 अंकों का होता है, ठीक है। इसके पहले 5 अक्षर अल्फा होते हैं। क्या होते हैं? पहले 5 अक्षर अल्फा होते हैं, 4 अक्षर न्यूमेरिकल होते हैं और लास्ट का एक वर्ड अल्फा होता है। क्लियर है? इतना समझ आ गया? सर होता क्या है, अगर आपको मेरी इनकम पता करनी है तो आप मेरे नाम से नहीं पता करेंगे मेरा नाम क्या है। गवर्नमेंट ने कहा हम आपको एक पैन कार्ड नंबर दे रहे हैं जिस नाम पर आपका नाम है, और हमें अगर कभी आपसे पता करना है कुछ तो हम किसके नाम से पता करेंगे? आपके पैन कार्ड से। क्लियर? इसके बाद आईटी पैन कार्ड हो गया, वार्ड नंबर हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, फैक्स नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालकर हम सबमिट कर देंगे। क्लियर? और जब कंपनी बनाओगे तो इस टॉपिक को आपको नो करना है और सेव कर देना है, ये आपकी कंपनी बनना स्टार्ट। याद रखना इस टॉपिक को आपको ध्यान से नो कर देना है। क्यों? क्योंकि अभी हम जीएसटी का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बेसिक काम कर रहे हैं, इसलिए नो कर देना। नितिन, अभिषेक, इनका प्रोजेक्ट मत देखो, फिगर में गलती है। किसका? नोट्स में ही है वो। हाँ नहीं आएगा, इनका 238 आ रहा होगा। आ रहा है, देखो एक साइड इसकी ट्रायल बैलेंस स्कोर के देखो। हाँ तो वो 38, वो मैंने चेक कर लिया है, वो जो नोट्स कंप्यूटराइज बने उसमें मिस्टेक है। इसके बाद कंग्रेचुलेशन मैसेज आ गया। मैसेज आ जाने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप अपनी कंपनी पासवर्ड लगाना चाहते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर दो, जैसे मैंने अपनी कंपनी का पासवर्ड SSS। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? S क्यों डाला? क्योंकि जो भी हमारी कंपनी का पहला अक्षर होगा वही हम सुपर यूजर नेम, वही हम पासवर्ड और वही हम रीचेक पासवर्ड रखते हैं। इसके बाद हम इसको सेव, ठीक है, ये हमारी कंपनी बन गई। कंपनी अगर बंद करनी है तो आप स्कैप बटन दबाएंगे, यहाँ से आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। एंटर कंपनी ओपन करनी है तो आप यहाँ से कंपनी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? कोई प्रॉब्लम? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पीसी अरेंज करवा देता हूँ, एक मिनट रुकना।